हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 1 से 3 मार्क्स का ऑलमोस्ट हर बार ही पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में कंपलसरी आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेटमेंट। तो क्या है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का स्टेटमेंट? जूल्स लॉ ये कहता है कि किसी सर्किट में हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस में, तो हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट इन द रेजिस्टर। यानी रेजिस्टर में जितना करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी हीट एनर्जी। दूसरा, हीट एनर्जी डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, इसका मतलब है एच विल बी प्रोपोर्शनल टू आर। और तीसरा पॉइंट होगा कि हीट एनर्जी विल डिपेंड और प्रोपोर्शनल विल बी प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो इन द रेजिस्टर, दैट इज टी, एच प्रोपोर्शनल टू टी। अब हम समझेंगे कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर करंट कम होगा तो हीट एनर्जी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट एनर्जी कम होगी, अगर कम टाइम के लिए करंट फ्लो होगा तो हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। वहीं इसका उल्टा, अगर करंट ज़्यादा प्रोड्यूस फ्लो करेगा तो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वहीं अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए करंट को फ्लो करा रहे हैं तो भी हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। नाउ इन तीनों प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को कंबाइन करने पर आएगी इक्वेशन H इक्वल टू एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, K इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख देंगे और आई स्क्वायर आर टी। अगर SI यूनिट के लिए K इक्वल टू 1 होता है तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। ये क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है या फिर कंडीशन दे दी जाएंगी कि इस